वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू पाठशाला। हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का सीयूईटी पीजी एंट्रेंस हिस्ट्री का जो सिलेबस है, इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉपर डिस्कशन हमारे एक पहले वीडियो में है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। जनरली जो चेंज हुए हैं नए सिलेबस में, हम उसको यहां पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और पढ़ते हुए उन चीज़ों को ऐड करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो हमारा, आपने ये पहले ही बता दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पेड कोर्स पे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9519 38 32 72, और आपका जो पहला बैच है हमारा चाणक्य बैच, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस का देख लेते हैं, जो चेंज हुआ है पहले से, जो चेंज हुआ है उसको हम अच्छे से समझ लें, ताकि पढ़ते वक्त हमें ये दिक्कत ना हो कि हमसे ये छूट गया है। ठीक, चलिए इसमें हम एंशिएंट इंडिया का जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो देख लेते हैं, कि स्टोन एज का, चोकोलिथिक का और राइज ऑफ इंडियन एम्पायर, जो एंशिएंट टाइम की जो डायनेस्टी है, हयक डायनेस्टी हुआ, सिसुनाग डायनेस्टी हुआ, नंद डायनेस्टी हुआ, ओवरऑल इसके कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं ये आपको समझने हैं। और फिर रिलीजन्स का, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो जो चेंज हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट मोस्टली इस टॉपिक से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर मौर्यन एज हो गया, पोस्ट मौर्यन पीरियड हो गया, ये एंशिएंट इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ये नए वाले सिलेबस में ऐड है। दूसरा चीज ये देखेंगे कि अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी साउथ इंडिया का देखेंगे, इसमें मोस्टली हमें संगम साहित्य के बाद जो संगम काउंसिल हुई है उसके बाद की हिस्ट्री से ही पता चलता है, उसकी पहले की हिस्ट्री नहीं पता चलती है। और मोस्टली एग्जाम में संगम साहित्य से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या रचनाएं हुई हैं, कैसे कैसे लोग विद्वान उसमें आए हुए थे, क्या क्या कितने वर्षों बाद हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, पहली काउंसिल कहाँ हुई, दूसरी काउंसिल कहाँ हुई, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास डिटेल में, तो उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसके बाद के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्टली आपको ध्यान रखना है साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर इसके बाद वकाटक हो गया, गुप्ता हो गया, ये इन सारी डायनेस्टी के बारे में पढ़नी, मोस्टली ये साउथ इंडिया का, ईस्ट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो इसमें मौर्यन डायनेस्टी हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, कुषाण डायनेस्टी हो गया, वर्धन डायनेस्टी हो गई और चोल डायनेस्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां हैं जो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से कवर करती हैं। तो इन डायनेस्टियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ने, कौन कौन इसके अच्छे शासक रहे हैं उन पर फोकस करना है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या रही है, उसमें क्या क्या, किन किन लोगों के लिए कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है उसमें। दूसरी चीज़ें, क्योंकि टर्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पूछ लिया गया कि मंडप किसे कहा गया है, दक्षिण भारत के या चोल डायनेस्टी में इस शब्द के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिला के लिए क्या किया गया है, गोपुरम किसे कहा गया है, तो मोस्टली आपको ये देखना है कि उस टर्म पे क्या है, टर्म पे ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री में जो टर्म पूछे जाते हैं आपको वही ध्यान रखना है मोस्टली। चलिए और हम आगे की बात कर लें, तो मेडाइवल हिस्ट्री की बात कर लें, जो स्टार्ट हो रहा है मोस्टली हम देखते हैं कि 1200 एडी से स्टार्ट होता है, और कुछ अर्ली हिस्ट्री की बात कर लें तो 712 कासिम के, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से ही अर्ली मेडाइवल एज जो है वो शुरू हो जाता है। उस हिस्ट्री में, इस मेडाइवल के इस पार्ट में हमें क्या क्या देखना है, कि जो जो चेंज हुए हैं, ठीक है, सिंध आक्रमण हम लोग देखेंगे, फिर गजनवी का आक्रमण देखेंगे, गौरी का आक्रमण देखेंगे, तराइन के युद्ध देखेंगे, फिर उसके बाद गुलाम वंश की जो स्थापना हो रही है, इस यहाँ से पूरा प्रॉपर शुरू हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुलाम वंश के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है, जैसे मामलुक हो गया, मामलुक डायनेस्टी हो गई, गुलाम डायनेस्टी हो गई, तो इन हर एक डायनेस्टी के लिए जो अलग अलग वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या है कि टर्म चेंज कर देता है। तो नए सिलेबस के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जो टर्म चेंज हो रहे हैं, जिस डायनेस्टी के लिए अलग अलग पढ़े जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री से मेडाइवल हिस्ट्री को, मेडाइवल हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री से कांटेक्ट करके जोड़ना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से ऑल ओवर हिस्ट्री को समझ सके। क्योंकि फिर हम हिस्ट्री को दो ही पार्ट में बांट देते हैं, एक हमारी हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको अच्छे से पता है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री हो गई, इंग्लैंड की, रशिया की और फ्रेंच की, ठीक है, ये मोस्टली तीन हिस्ट्री अलग अलग कंट्री के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा, तो वो चीज देखना है। और मोस्टली
मोस्टली अगर हम देखेंगे तो 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये इंट्रेंस एग्जाम है। तो इस इंट्रेंस एग्जाम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के ही क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ज़्यादा सा टेंशन नहीं लेना है, बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। ठीक, अब हम बात कर लें मेडाइवल हिस्ट्री में जो आगे के पार्ट में रहेंगे, सुल्तान सल्तनत डायनेस्टी, जैसे मैंने कहा ना गुलाम डायनेस्टी, और फिर उसको मामलुक डायनेस्टी हो कहा भी जाता है, दासों का शासन भी कहा जाता है, और उसको दिल्ली सल्तनत का सल्तनत काल का भी उसके लिए उदाहरण किए जाते हैं शब्द। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमें ये देखना है कि इसमें जो जो डायनेस्टियाँ आई हैं, ठीक है, लोदी डायनेस्टी हो गई, सैयद वंश हो गया है, तुगलक डायनेस्टी हो गई है, खिलजी डायनेस्टी हो गई है, ये हमें 1526 के टाइम पीरियड से पहले जो है इसको कवर करेंगे। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हम देखेंगे कि अगर मोस्टली अगर देखा जाए 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक जो है वो मुगल डायनेस्टी का चल रहा है, वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। और मुगल डायनेस्टी आप जब भी पढ़ें तो आपको इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसका प्रशासन है, प्रशासन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है मुगल डायनेस्टी के लिए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से टर्म रियासत में यूज किए जा रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट बन रहे हैं, विभाग बन रहे हैं, उन विभाग के लिए कौन कौन से फारसी शब्द के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है। और यही सेम पैटर्न मौर्यन डायनेस्टी में भी, चोला डायनेस्टी में भी, गुप्ता डायनेस्टी में भी यूज किया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मोस्टली इस आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप ऑल ओवर हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझ सकेंगे। फिर यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बाद हम देखेंगे कि जो आगे मॉडर्न हिस्ट्री में ऐड हो रहा है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आ रही है, वो 16वीं शताब्दी से ही आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जब हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी पढ़ना है। ठीक है, कि भारत में वो कैसे अपना प्रभाव जमा रहे हैं, कैसे 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में उनका मेजर रोल उभर के आ रहा है, फिर उसको कैसे बक्सर में वो पूरी तरीके से एक जजमेंटल वॉर के रूप में सामने रख देते हैं, और आगे चल के वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ भारत में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करते हैं और भारत में स्थापित होने के अपने पूरे जो उनके प्रयास हैं उसको सिद्ध कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है। फिर आपको जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें आपको थोड़ा सा हिस्टोग्राफी पे फोकस करना है। हिस्टोग्राफी पे फोकस करने के लिए ऑल ओवर हमारे बैच में इस चीज़ को कवर किया गया है, लेकिन आप मैं एक बुक प्रेफर करूँगी ई श्रीधरन की, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हिस्टोग्राफी का पोर्शन है आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा फोकस होना चाहिए। जितने भी एक्ट आए हैं 1772 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1947 तक का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1947 तक के जितने भी एक्ट हैं, जो जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, उस सबको अच्छे से पढ़ना है। किस में कितने मेंबर हटाए जा रहे हैं, किस में कितने मेंबर जोड़े जा रहे हैं, आपको अच्छे से फोकस करना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो सोशल एंड कल्चर चेंज आ रहा है और जो इसका इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को अच्छे से देखना है। और जो सेटलमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सोशल है, रिलीजियंस है, रिफॉर्म, जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, ज्योतिबा फूले हो गए, इनको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है, अच्छे से पढ़ना है उन्होंने क्या क्या सोशल चेंज के लिए काम किया है, कैसे सती प्रथा बैन हुआ है, और गुलामगिरी में जैसे इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, दास प्रथा के लिए क्या चीज़ें हटाई गई हैं। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो मास मूवमेंट हो रहे हैं अच्छे बड़े लेवल पे, उसमें लोगों की सहभागिता क्या है, कौन कौन से नेता उभर के आ रहे हैं, कौन कौन से समितियां बनाई जा रही, किन किन सभाओं की स्थापना हो रही है, सभाओं की स्थापना के साथ उनका डेट भी आपको याद रखना है कि किस वर्ष क्या हो रहा है, उसके मेन अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को कवर कर सकेंगे। हमारे जो नए सिलेबस में ये बहुत सारी चीज़ें चेंज उभर के आई हैं, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें और ऐड करना चाहिए जिससे बच्चों को काफी आराम मिले ताकि वो अच्छे से समझ के पढ़ सके। तो ये हमारा हिस्ट्री का जो एंशिएंट मॉडर्न और मेडाइवल का जो पोर्शन है इसको अच्छे से कवर किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन पढ़ना है, ग्लोबियस रिवॉल्यूशन तक का, और दूसरी चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, और 1945 तक का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। और आई होप कि इस छोटे से डिस्कशन में आप सिलेबस को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे, और इस अच्छे से समझने के बाद आप जो नए तरीके से पढ़ेंगे उसको अच्छे से कवर करेंगे, पढ़ते हुए चीज़ों
को हाईलाइट करते जाएंगे कि इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा पर्सन नेता कौन से हैं जो उसके अध्यक्ष, किस कमेटी को किसने लीड किया है, किसने किस चेंज की नींव रखी है, कैसे जैसे जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं किस किस अधिवेशन में किसने किसने अध्यक्ष का पद निभाया है, और अगर जैसे कांग्रेस विभाजन हुआ है तो किस वर्ष हुआ है, 1907 में हुआ है, उसके बाद गरम दल और नरम दल में क्या रूप आया है, तो इन सारी चेंज के साथ आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए हमारा जो बीएचयू पाठशाला के थ्रू हमारा ये नया बैच लॉन्च हुआ है, चाणक्य बैच, इसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जितनी जल्दी इसे ज्वाइन करेंगे आप सिलेबस को उतनी अच्छी तरीके से कवर कर सकेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सीयूईटी पीजी इंट्रेंस हिस्ट्री में आप अपनी जगह अच्छे से बना लेंगे, और जिससे कि आप भारत के टॉप यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, जेएनयू हुआ, आप अच्छी यूनिवर्सिटियों में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुई, आप वहाँ इनरोल्ड हो सकते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए नंबर 9519 38 32 72 पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट।